अरे लड़ता रहे यार, नहीं तो शरीर तो माँ देखो, ये झंडी की कुश्ती है, लास्ट झंडी है। नकुल नगला गुलाल लंबे कद के पहलवान है, नकुल नगला गुलाल और देवेंद्र पहलवान बराहगरा, देवेंद्र पहलवान बराहगरा और नकुल जो नीले जागिया में है, ये नकुल नगला गुलाल गोजाबाद आगरा के बीच में मुकाबला है। लाल झंडी है, इसके बाद झंडे के जो भी पहलवान है वो तैयार होके आ जाए अंदर अखाड़े में, समय ज्यादा नहीं है। लास्ट झंडी की कुश्ती है, दोनों पहलवान बढ़िया पहलवान है दोनों। नकुल नगला गुलाल नीले जागिया में और देवेंद्र पहलवान बना आ रहा है। नकुल और देवेंद्र के बीच में मल्लयुद्ध हो रहा है, मल्लयुद्ध बाकी तारीफ के काबिल है, दोनों पहलवान बराबर की टक्कर के हैं। अब फैसला तो जो होगा वो सामने आपके आएगा, लेकिन पहलवानों में बाकी जोश देखा जा रहा है और इनके अंदर बुलंदगी भी है, ऐसी बात नहीं। और सभी महापुरुषों से निवेदन मेरा ये है, प्रसाद ग्रहण करके जाएं। कमेटी ने आने वाले सभी महापुरुषों के लिए प्रसाद की व्यवस्था मंदिर में कराई है, प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं, बिना प्रसाद के कोई नहीं आए। ये कपिलेश्वर महाराज जी का प्रसाद है, ये परमात्मा का प्रसाद है, बिना ग्रहण किए नहीं आए। और ऐसे ही आने वाली नई साल जो आएगी सावन के चौथे महीने में, यहाँ पर कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा और इससे और बड़े स्तर से कमेटी आयोजन कराएगी, क्योंकि काफी दिनों छूटा हुआ था, इसलिए सही तरीके से कमेटी को अरेंजमेंट नहीं दे पाए, डिसीजन जैसा लिया अर्जेंट में लिया गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम तैयारी के साथ भव्य से भव्य आयोजन किया जाएगा, ये कमेटी का संकल्प है। गोट पहलवान बैंडन बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कुश्ती कर रहे हैं और हमारे छोटे भाई सोनू यादव जिला जीत रहे, उनके बीच में जो कुश्ती कराई जा रही है और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके बीच में कराई जा रही है। आप सभी माननीय सम्माननीय हैं, आप लोगों को देखने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। इतना कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ आए, कमेटी की तरफ से आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था की हुई है, सभी महापुरुष प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर जाएं, बिना प्रसाद कोई नहीं आए। बोल सच्चे दरबार की गॉड, महापुरुषों में जोश है और हमारे रेफरी बुजुर्ग है लेकिन जोश बहुत ज्यादा है, मैं देख रहा हूँ एक टांग पर बेचारे भाग रहे हैं लगातार चार घंटे से। गुड गुड चौहान साहब बहुत बढ़िया, पहलवानों में बहुत अच्छा जोश है और बड़ा मानवता से देखिए कितना तरीके से कुश्ती लड़ रहे हैं, अपड़ा तपड़ी नहीं, अपने दाव पेच लगा रहे हैं, ताकत भी लगा रहे हैं और एक खाली वाला युद्ध नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया युद्ध है, दाव पेच अपना अपना पहलवान लगा रहे हैं। अभी पहलवान बिल्कुल बार मत हो रहे धीमी धीमी, ये सीधा धीमी धीमी गाड़ी मौसम मनाती है, जगह पहलवान मौसम मना रहे, मैं देख रहा हूँ बहुत पुराने पहलवान खिलाड़ी हैं, ये लास्ट वाला दाव पे शुरू कर रहे हैं, फिर ताकत लगाने जा रहे हैं, जब इनका समय कम नहीं आएगा देखो इनके कैसे झटके होते हैं, फिर मुझे मालूम है ना, बहुत दिनों से मैं इनकी कुश्ती देख रहा हूँ, बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित पहलवान है, ऐसी बात नहीं है, क्षेत्र में इनका नाम है, अच्छे पहलवान है। वो खाली वाली कुश्ती बहुत बड़े कैमरा लगा कर रखो अपना है, लेकिन ने ठीक है, हमारे लाद शरीर टेढ़े हो गए।
भैया देखो कुश्ती यहाँ पानी लगाई है, अब ये लाल झंडे की लड़ाई है, बराबर नहीं छोड़ी जाएगी। कमेटी का ये नियम है, जो लाल झंडे की दो लड़ाई होती है बिल्कुल आर पार की बराबर की नहीं मानी जाएगी, या तो हार उन्हें तो जीत। थोड़ा शरीर में करंट लाइए, लास्ट की जो दो होती है बराबर की नहीं मानी जाएगी, बराबर की नहीं मानी जाएगी, इसमें हार जीत ही होके सलमान भाग लग जाएगी। अब पहलवान अब जोश आ गया, समय बचा केवल 5 मिनट, समय 5 मिनट, 5 मिनट सेकंड झंडे की लड़ाई एक करके दिखा दो जो दिखाना है 5 मिनट में। भैया बराबर की मानी नहीं आएगी, हार जीत के बाद ही बात होगी। खलीफा वाले पहलवान, सारे पैर वाले पुराने पहलवान, बिना दांत वाले भैया ने के थोड़ा सा जोश दो, ग्राउंड बहुत बड़ा भैया। दूधिया भैया जोश क्यों नहीं दे रहे हो, जोश क्यों नहीं दे रहे हो, नीले जोगी वाले के नेने कर लो, पुराने पहलवान हो, खाटा दिखा दो, भैया पुराने पहलवान है, हमें बता रहे कांटा निकाल दो इनके जल्दी। ग्राम सारेपुरा के फोरमैन सारे हैं, मान ले जाने हैं पुराने बगली वाले बहुत तगड़े पहलवान आए अपने टाइम में। दूधिया दूधिया भैया सैकड़ों कैमरे चल रहे हैं, अपने अपने गाँव से जल्दी कर लो, सारा बहुत कम बचा है, और आर पार की लड़ाई है भैया, बिना आर पार काम ना हो गया। आज लास्ट झंडी की लड़ाई में कपिलेश्वर महाराज जी का ये नियम रहा है, झंडी की लास्ट लड़ाई बिल्कुल युद्ध होता है, बल युद्ध, तो कर दिखा दो आज बोल कपिलेश्वर वाले महाराज की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। भैया पहलवान देर न करें, कुश्ती जल्दी करें, भंडारा इंतजार कर रहा है, एटा तक के पहलवान है, ग्वालियर के हैं, मैनपुरी के बाहर के पहलवान है, उनके लिए मंदिर पे प्रसाद की व्यवस्था हो रही, फूल भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाए, व्यवस्था कमेटी की हुई है, कोई भी पहलवान बिना खाना खाए नहीं जाएगा, कोई भी महापुरुष जो क्षेत्रवासी आए हुए हैं उन सभी के चरणों में विनम्र निवेदन है, प्रसादी की व्यवस्था है, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर जाए, ये कमेटी की तरफ से आपके लिए अपील है, गुजारिश है। चार मिनट बाबा हट जाओ, तैयार रहे ग्राउंड में आ जाए, क्योंकि इसके बाद आपकी कुश्ती होगी, बिल्कुल वार्म अप हो जाओ। लास्ट झंडे की लड़ाई है, सभी महापुरुष झंडे की लड़ाई देख के जाए, कोई बात नहीं, समय में मानना हो थोड़ा ज्यादा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, समय चलता रहता है, हमें आपने समय देना है। सोनू भाई मेरे पास नहीं,
जिला चैंपियन डाला सोनू भाई ग्राउंड में पहुंचे। जिला चैंपियन सोनू भाई दूसरे को बगल में कुश्ती है समय कम बचा है। भैया देखो कुश्ती नहीं होती है, कमेटी ने नियम बदल दिया, ध्यान रखना। धार पाल की कुश्ती का धार पाल लड़वा लड़वा जे लड़वा कुश्ती लड़ो गावा जो लड़वा कुश्ती लड़वा कुश्ती लड़ो रे करा ताके मां बजरा छड़ी बात कर ले लड़ो नूरा कुश्ती लड़ायो ने जे दमदार और नीली जागे वालो कुश्ती जो लड़े रहो बस लड़ो जब तक मैंने लड़ाई नहीं होनी तब तक समापन नहीं होता। बताओ ग्राम भाई बढ़ावा थोड़ी हुई है झंडे वाले भैया से बार में बोलो झंडे वाले से पर दो मिनट में बोलो अरे तू डाले बंटी चपत रहा डाले पकड़े की झंडा वाले भैया अंदर आया अंदर झंडा वाले थोड़ा बार में बोलो गांव में लोग देख ले आपको झंडा वाले कुश्ती कौन झंडा लेकर जा रहा है आपके पीछे आ रहा है दोनों पहलवान आ जाए अंदर ये तो मोटा मारा दिखा रहे हो गुड मालूम जा गया साहब जी जो है गुड साहब आगरा जिला सुरेश जी लड़ाई 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 पीछे आओ ये लड़े हैं वो लड़ो ही नहीं बेचारों में जोर से अरे चिकन में धोने लगी है उतनी लगी है लगवाओ आधी मत जा तो केवल पांच
कितनी दे दे मत वही गिरा दे ड्रामा कर रहा है देख ले अरे डॉक्टर चालू कर दे डॉक्टर भैया ले रहा है लोगों को बात करने आ रहे कुश्ती को चटपट करने के लिए थोड़ा नहीं बचा है अभी झंडे की कुश्ती में लोगों को बाहर जाना है सभी को वीरवान अब व्यापक को जो वीरवान ये कहां से कौन देगा ए 3 मिनट बजाओ ये 3 मिनट तुम लोग तो पहले 3 मिनट जोर नहीं हो रहे मर्दों का युद्ध हो रहा है 2 मिनट साढ़े 2 मिनट हो रहे हैं 2 मिनट ये कच्चो कर रहा हूं दो मिनट में कच्चो कर रहा हूं हम तो पता है देवेंद्र बचाओ कर रहा समय एक मिनट बचा भैया एक मिनट चलो भैया बराबर कुश्ती वाले बराबर दोनों बराबर छाती बनाओ और बढ़िया झंडे वाले आना।